सबको जय मसीह की। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए, लंबी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना करने का सही समय क्या होता है। जब हम पहला तिस्नुलिकियों 5:17-18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और हमारा पहला विषय है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। और दूसरा विषय है कि प्रार्थना कैसे करते हैं। और आप लोगों के जब मुझे मैसेजेस आते हैं, और आप कई लोगों ने बताया कि वो लोग ज़्यादा देर तक घुटनों के बल प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर आप बीमार रहते हैं और आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और आप प्रार्थना नहीं कर पाते घुटनों के बल होकर, तो आप चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रभु में नए हैं और आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो बाइबल में से हम एक प्रार्थना को देखेंगे और आप उस प्रार्थना को बाइबल को खोलकर पढ़कर याद करके उसी प्रार्थना को कर सकते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6:9-13 में पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पर ऐसे लिखा है, अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारा तीसरा विषय है कि हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए। और कई लोगों के सवाल आते हैं मुझे और पूछते हैं कि हमें कितनी देर तक प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि हमने देखा है कि कई लोग प्रार्थना 4 घंटे करते हैं, कोई लोग 2 घंटे करते हैं, कोई लोग 8 घंटे तक प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए और हम अपनी प्रार्थना के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा देर तक प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबी प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो आपको कम से शुरुआत करनी होगी। अगर आप पहले दिन 5 मिनट बैठते हैं और अगले दिन 10 मिनट बैठते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर आपको अनुग्रह देते जाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली प्रेयर लंबी होती जाएगी। और हमारा 5वां विषय है, प्रार्थना करने का सही समय क्या होता है। प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाइबल में से देखेंगे कि प्रार्थना योद्धा किस समय प्रार्थना करते थे। जब हम भजन संहिता 42:8 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल के जो प्रार्थना योद्धा थे वो सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे और रात को प्रार्थना करते थे। और आप इसी तरीके से प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक समय होना चाहिए और एक आपका एक नियुक्त समय होना चाहिए जिसमें आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस विषय के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और अपना प्रार्थना निवेदन भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुँचे। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर अपने प्रार्थना निवेदन को इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।